महिंद्रा ने अपनी फुली इलेक्ट्रिक कार XUV 400 को कुछ दिन पहले ही अनवील किया है, जिसपे कि उन्होंने गाड़ी के फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, रेंज कितनी होगी और क्या बैटरी पैक मिलेगा सब कुछ बता दिया है, बस प्राइसेस को छोड़कर। ये सारी गाड़ी के बारे में जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं आपको XUV 400 के 6 काले सच बताऊंगा। सच से मेरा मतलब है कि महिंद्रा ने आपसे क्या चालाकी की है इस गाड़ी में। अपने लाइव इवेंट में महिंद्रा ने डायमेंशंस को बहुत अच्छे से कंपेयर किया बाकी ईवी कार से जो इंडिया में बिकती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उनने आपको नहीं बताई, छुपा के रखी थी इस लाइव इवेंट्स में। तो आज मैं उन्हीं बातों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जगह जगह पर महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है, इसी वजह से गाड़ी अपने मेन कंपटीटर टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स से काफ़ी पीछे रह जाती है इस मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली ऐसी चीज़ की जो कि है इसकी हेडलैम्प्स। एटलीस्ट महिंद्रा अपनी फुल इलेक्ट्रिक कार में फुल LED सेटअप देती, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स में आपको पता चलेगा कि जो इंडिकेटर है वो आपको बल्ब में दिया गया है, कोई भी LED इंडिकेटर्स नहीं दिए गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होता है एक इलेक्ट्रिक कार के लिए। अगर इसी को LED कर देती, LED सेटअप के साथ दे देती, तो गाड़ी की डेफिनेटली रेंज में भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता। वहीं महिंद्रा ने इसकी DRLs को भी कम कर दिया है, जो कि आपको XUV 300 में आती थी DRLs फुल नीचे तक, अब उसको कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कम करके केवल हेडलाइट तक ही रखा गया है। ये DRLs उसकी लुक्स की पहचान थी पहले, जो XUV 300 में बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अब महिंद्रा ने XUV 400 में ये DRLs को कम कर दिया है और DRLs की जगह दे दिया है कॉपर कलर, जो कि पर्सनली मुझे ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता है इस गाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि है इस गाड़ी के फॉग लैंप्स। फिर से महिंद्रा ने इस गाड़ी के फॉग लैंप्स को भी DRLs की तरह हटा दिया है। इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करके कस्टमर का ही नुकसान हो रहा है। इसकी मेन कंप्यूटर टाटा नेक्सॉन ईवी में भी आपको फॉग लैंप्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही। एटलीस्ट महिंद्रा को इस गाड़ी के साथ फॉग लैंप्स दे ही देने चाहिए थे, क्योंकि नाइट ड्राइविंग की बात हो या फिर गाड़ी फॉग में हो, फॉग लैंप्स हर समय काम आते हैं किसी भी गाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है इस गाड़ी का एंटीना। यहाँ भी महिंद्रा ने फिर से कॉस्ट कटिंग का एग्जाम्पल दे दिया है। आपको XUV 300 के साथ शार्क फिन एंटीना मिलता है, जो कि डेफिनेटली इस गाड़ी की प्राइस से कम में मिल जाती है गाड़ी, लेकिन इस गाड़ी में आपको नॉर्मल सा एंटीना दिया गया है, जो कि काफ़ी एक डाउनग्रेड वाली बात है XUV 400 कस्टमर्स के लिए। चौथी चीज़ जो इस गाड़ी में आपको ख़राब मिलेगी, वो है इसका इंटीरियर डिज़ाइन। जब इस गाड़ी को महिंद्रा ने टीज किया तो ऐसा लग रहा था सबको कि महिंद्रा इस बार कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर देगा, जैसे कि XUV 700 और स्कॉर्पियो N में मिलता है, लेकिन महिंद्रा ने वही पुराना वाला XUV 300 का इंटीरियर आपको सेम चिपका दिया है इस गाड़ी के साथ। बस चेंज हुआ इंटीरियर में तो बस उसका स्टीयरिंग का लोगो चेंज हुआ है और गियर नॉब का डिज़ाइन, बस यही दो चेंजेस आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिलेंगे, बाकी सेम XUV 300 वाला ही आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। महिंद्रा के इस हरकत से उसके जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि इसके कंपटीटर्स के जो इंटीरियर्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही ज़बरदस्त और फ्यूचरिस्टिक आते हैं। फिफ्थ चीज़ जो इस गाड़ी में बेकार है, वह है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। महिंद्रा ने वही पुराना वाला स्टीयरिंग व्हील दे दिया है ओल्ड स्टाइल, जिसपे कि बस लोगो चेंज किया गया है। चाहे तो महिंद्रा एक न्यू स्टीयरिंग व्हील दे सकता था, जिसमें कि लेदर रैप होता और साथ में फ्लैट बॉटम होता नेक्सॉन ईवी मैक्स की तरह, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट होता है उतरने में, चढ़ने में, और स्पोर्टी लुक भी देता है गाड़ी को एक। आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर की बात कर लेते हैं, तो वह है इस गाड़ी की फीचर्स की कमी। मार्केट में आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि कार्स में फीचर को लेकर कंपनीज हर न्यू फीचर को अपडेट करने में लगी हैं अपनी गाड़ियों में। वो एक भी ऐसा सिंगल फीचर नहीं चाहते कि उनकी गाड़ी में वो मिस रहे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा है जो कि फीचर्स को अपडेट करता ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा दिखाता ही नहीं है अपनी गाड़ियों में। मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जो कि इसके कंपटीटर्स के पास तो मिल जाते हैं लेकिन XUV 400 में नहीं। पहला है वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVMs, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड हेडलैम्प्स। तो ये वो फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी के साथ तो मिलते ही नहीं है लेकिन इसके कंपटीटर्स में मिल जाते हैं, और चाहकर भी आप इन फीचर्स को आफ्टर मार्केट या फिर मार्केट से नहीं लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में, ये कंपनी फिटेड ही सही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं और एसेसरीज हैं जो आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, जिनका लिंक हमने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है,
आप घर बैठे अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी गाड़ी का कंफर्ट और कन्वीनियंस दुगना कर सकते हैं। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उन लिंक्स पे क्लिक करके घर बैठे बैठे मंगा लीजिए उन एसेसरीज को। सातवीं और आखिरी थिंग जो महिंद्रा ने इसमें फिर से कमी कर दी है वो है इसके रियर एसी वेंट्स में। पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए महिंद्रा ने कोई भी एसी वेंट्स और यूएसबी चार्जर जैसे कॉमन चीज़ें नहीं दी हैं इस गाड़ी में। ये सब फीचर्स तो काफ़ी कॉमन हो गए क्योंकि हर कार मेकर कंपनी अपने कार्स में रियर सीट पैसेंजर्स के लिए स्टैंडर्ड कर देती है इन फीचर्स को, लेकिन महिंद्रा ने अभी भी अपने कस्टमर्स के लिए स्टैंडर्ड नहीं किया हुआ। तो ये थी महिंद्रा XUV 400 जो कि एक फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी सात चीज़ें जो महिंद्रा ने आपको लाइव इवेंट में छुपाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, और अपनी गाड़ी के लिए अच्छी एसेसरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड ड्राइव सेफ़।